नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। विकास के नाम पर लगातार हो रही वृक्षों की कटाई से भविष्य में आने वाली आपदा से आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए नमोकार मंच, भारत विकास परिषद और अन्य सामाजिक संस्थाएं उदयपुर शहर में एक बार पुनः हरित क्रांति लाने के तहत शहर के मुख्य और सरकारी परिसरों में वृक्षारोपण का कार्य जोरों शोरों पर कर रही है। उसी के तहत अपनी आगामी कड़ी में आज संस्थाओं ने के पदाधिकारियों ने महाणा भोपाल चिकित्सालय परिसर में वृक्षारोपण कर अभियान को आगे बढ़ाते हुए बताया है कि जिस बेतरतीब तरीके से वृक्षों की कटाई अंधाधुंध होती जा रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग का अंदेशा सामने आते दिख रहा है। आज कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम समय रहते इस हरित क्रांति को बढ़ावा नहीं देंगे तो कई नुकसान आने वाली पीढ़ी के साथ ही वर्तमान पीढ़ी को भी झेलने पड़ जाएंगे। नमोकार सेवा संस्थान उदयपुर में 3 वर्ष से भी वृक्षारोपण का बहुत एक हरित क्रांति के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत अभी तक हमने 3600 पेड़ उदयपुर में 100 फीट के रोड पे भी लगा चुके हो, जिसकी व्यवस्था और मेंटेनेंस हम नमोकार सेवा संस्थान का ग्रुप कर रहा है। और हमारा टारगेट है उदयपुर में 11,000 वृक्ष हम लगवाएंगे और सबको सब हम खड़ा करेंगे। इसी के अंतर्गत आज हमारे साथ भारत विकास परिषद की संस्था ने भी सहयोग करके इस कार्य को और आगे गति दी है। और मैं उदयपुर नगर निगम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, इसमें हमारा सहयोग उनका पूर्ण रह रहा है। जी मैम, आपका नाम और डेजिग्नेशन के साथ किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह की हरित क्रांति बनाने का प्रयास किया जा रहा है? वंदे मातरम, मैं राष्ट्रीय गांधी भारत विकास परिषद नेशनल प्रोजेक्ट मेंबर। हम पर्यावरण की श्रृंखला के अंदर, पर्यावरण के साथ के अंदर भारत विकास परिषद सुभाष शाखा। देखिए, जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ते हैं, 6 क्विंटल लकड़ी हमारे साथ चिता पर जाती है, तो कम से कम एक ये मैसेज है कि कम से कम आप जीते जी अपने अपने परिवार से कम एक पौधा हर अपने जन्मदिन पर लगाना। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा निरंतर सालों से इस पर्यावरण के साथ में पौधे लगाने का काम कर रही है, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। अगर आपके साथ में प्रकृति आपके पास में नहीं है, आप अगर 6 क्विंटल लकड़ी आपकी चिता में आपके साथ जाती है, आप अपना अपना धरती का ऋण एक पौधा लगा के तो आपको उतारना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने ज़िंदगी छोड़ी और इसके बाद में धरती का ऋण हमारे पास में रह गया। तो सभी से ये है कि, और अब तक हम बहुत काफ़ी पौधे लगा चुके हैं। आज किस तरह के यहाँ पौधे लगा रहे हैं? आज यहाँ पर अमरूद लग गया, बेल लग रहा है, अनार का लग रहा है। इस तरह के जो फलदार पौधे हैं, ये आज हॉस्पिटल परिसर में लग रहे हैं। रख रखाव के लिए किस तरह का प्रयास किए जाएंगे? रख रखाव के लिए हमारी जो एक नर्मकार संस्था है, वो भी काम कर रही है हमारे साथ में। और जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, ये देखिए मेरे पीछे खड़े हुए हैं, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है कि ये पौधा, इसका जो खर्चा है वो सुभाष शाखा दे रही है, लेकिन इनका जो मेंटेनेंस का काम है वो नौकर समर्थन। मतलब देखिए, इसके अंदर एक जना नहीं है, सामूहिक प्रयास है, और सामूहिक प्रयास से हम इस प्रकृति का वंदन करते हैं। और एक सबसे खास बात आपको कराएं कि हम जब पौधों का रोपण करते हैं, तो जब भ्रूण आपके जब माँ के पेट में होता है, तो कहते हैं कि गीता ज्ञान यार आपको सुनो, इसी तरह हम गायत्री और नौकर मंत्र के जाप से कंकु चावल अक्षत मौली के साथ में पौधे का रोपण करते हैं और प्रकृति का वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 8 फीट का है। सभी से सबसे पहले तो संस्थाओं का बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। इन्होंने जो भारत विकास परिषद की सुभाष शाखा ने जो निर्णय लिया है, इसका सारो रख रखाव और अटे जता तक मैं हूँ वटा तक तो अना रख रखाव और अना हुकवा नहीं दूँ, ठीक बात है। और दूसरी बात यह कि वनोपकार संस्था ने हो पेड़ और लगाव और निर्णय लीधो है, मैं वनों भी स्वागत करूँ हूँ और वनारी भी सारी जिम्मेवारी मुँह लूँ हूँ कि अड्डे वना ने कोई क्षति नहीं पहुँचावेगा और एक भी पेड़ ने हुकवा मुँह नहीं दूँ, चाहे मैं कहीं भी करूँगा तो नहीं हुकवा दूँगा। या बिल्कुल, और सभी से अपील है मेरी कि अपने जन्मदिन पर सब काटने का काम नहीं करें भाई, केक भी काटते हैं, सब काटने का काम नहीं करें, अपन कुछ उगाने का काम करें। तो उगाएं तो पेड़ उगाएं तो ऑक्सीजन का भी वेर है, और पेड़ की महत्ता तो अभी ऑक्सीजन में अपने देख ली कि ईश्वर ने अपने को इतना कुछ दिया है, तो एक पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा, और चलो लगाओ मत कोई बात नहीं,
लेकिन जो लगा हुआ है कहीं वहाँ लग रहा है आपको कि यार ये सूख रहा है, उस दिन अपने घर से एक केतली पानी डाल दो। ये भी बहुत बड़ा उपकार होगा कि किसी पेड़ को कुछ क्षति हो रही है तो हमें सूचना करो। ये भी बहुत बड़ा उपकार है कि भाई यो पेड़ अटे खराब ही रो है, अटे हुकी रो है, तो हम जाके उसकी भी सार संभाल करेंगे, कोशिश करेंगे। हम सब अगर कोशिश करेंगे तो पेड़ जो पौधा लगाएंगे वो पेड़ बनेगा और इतनी ऑक्सीजन देगा कि अपने आने वाले पीढ़ियों को ऑक्सीजन प्लांटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आपका नाम और मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र जोशी है, प्रेम से लोग मेरे को जय श्याराम कहते हैं। डिपार्टमेंट यहाँ सीनियर सर्जन हूँ, इसमें अपने एसआर बना हुआ हूँ ऑप्स गाइनी में। ठीक यही से।